नंद रानी एक महीने बाद अनुष्ठान की गर्भवती हो गई। तो नंद बाबा दे बोली, सुन रहे हो, ऐसो लग रहे हो है कि मेरे गर्भ में लाला आ रहे हो, सही बताओ। बोले हाँ। अब देखो मैं गर्भवती है गई हूँ ना, तो घर को काम काज ना करूंगी, तुम ऐसी स्थिति में हमारी ननंद को बुला लो। बधाई हो। देखिए जो यहाँ मंडप में है उनको बधाई है, जो किसी कारणवश नहीं आ पाए उनको सबको बधाई। प्रेम से बोलो राधे राधे। अनोखो जायो लै लेना मैं बेदन में सुन आई। अनोखो जायो लै लेना मैं बेदन में सुन आई। मैं बेदन में सुन आई पुराणन में सुन आई। मैं बेदन में सुन आई पुराणन में सुन आई। अनोखो 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 जायो लै लेना करना चाहते हैं अपना सहयोग। Oh,
2022 में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है और यह कथा परम पूज्य अनिल कुमार शास्त्री जी के मुखारविंद से कथा का अमृत पान कराया जा रहा है। आज चौथे दिन की कथा में 52 अवतार और भगवान श्री कृष्ण की जन्म की लीला का आज सभी ने आनंद लिया गया है। आप सभी नगरवासियों से एवं धर्म प्रेमी भाइयों से एवं कथा प्रेमी सभी माता बहनों से हमारा आग्रह है कि आप अब से अब 3 दिन की कथा बची है, कल गोवर्धन की कथा और गिरिराज जी की का आपको सुंदर दृश्य देखने मिलेगा और साथ में 56 भोग का प्रसाद भी लगाया जाएगा। आप सभी लोग पधारें और कथा का आनंद।